गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ जल शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स संस्था पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आप फिर सोच रहे होंगे कोई फिर लेक्चर वीडियो लेके आया हूँ। नहीं, लेक्चर वीडियो तो है, लेकिन एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे है जो कि मेरे स्टूडेंट है मिस्टर सुशांत, जो कि MBA कर रहे हैं नवोगम भारती से। उन्होंने मेरे सामने कुछ क्वेरीज रखी हैं और उसका वो सोल्यूशन चाहते हैं, तो आज उन्हीं को ये मेरा जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है। तो सुशांत, दिस इज फॉर यू। आज आपके लिए मैं शुरू कर रहा हूँ शेयर्स से, कि शेयर्स क्या होते हैं, उनके कंसेप्ट, टाइप्स और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग, डिविडेंड क्या होता है, ये सब आज चीजें मैं इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। मेन है, आज हम शेयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। शेयर्स एक ऐसा कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है किसी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए, जिसके थ्रू कंपनीज लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरेट करती है। और वो क्या है, मैं आपको इसको पूरा लिख करके डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं कैपिटल जनरेशन के लिए। ठीक है, वैसे तो जो यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है मुझे इसी को फोकस करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत बेस लेके चलना जरूरी है। सबसे पहले कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है इन द आईज ऑफ लॉ, यानी कानून की नजरों में इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसका यानी कंपनी फॉर्म ऑफ जो बिजनेस है उसका एग्जिस्टेंस उसके फाउंडिंग मेंबर जिन्होंने इसको बनाया है उससे अलग देखा जाता है। ठीक, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको इस पे फॉलो किया जाता है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगर आपने अकाउंट्स मतलब बेसिक्स पढ़े होंगे 11th-12th में, तो आपको इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये हमेशा, इनफैक्ट ये पर्टिकुलर कंसेप्ट हमेशा कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस पर ही अप्लाई होता है, क्योंकि वहां पे कंपनीज एक्ट 2013 जो कि पहले 1956 के नाम से जाना जाता था, उसके अंडर में रजिस्टर किया जाता है कंपनी को। इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दोनों का इस्तेमाल होता है, तब ये कंपनी जो है एक वो है लॉफुल बिजनेस कहलाती है। ठीक है, तो मेन है कि एक शेयर जो है एक स्मॉल यूनिट ऑफ टोटल कैपिटल होता है इन्वेस्टेड बाय द ओनर, और ये टोटल कैपिटल कोई भी फिगर हो सकता है, 1,00,000, 1 crore, 100 crore, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा, इट इज इश्यूड अगेंस्ट ऑथराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, यानी एक ऐसी कैपिटल जिसको कैपिटल क्लॉज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर में शो करके इसे रजिस्टर करवाया जाता है, ताकि एक लीगल पर्सन बन सके इन द आईज ऑफ लॉ। तीसरा है, शेयर्स आर मेजर्ड इन स्मॉल डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब है रुपी वैल्यूज, यानी अगर मैं इसको और आगे भी बताता हूँ कि स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ टोटल रजिस्टर्ड और ऑथराइज कैपिटल, जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, स्मॉल डिनोमिनेशन का मतलब ये है, मान लेते हैं किसी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1 crore rupees है। ठीक है, और पर शेयर वैल्यू उस कंपनी का ऑथराइज कैपिटल की 100 rupees है। ठीक, यानी एक शेयर की वैल्यू 100 rupees, तो हुआ ना एक छोटा पार्ट। ये 1 crore जो है ऑथराइज कैपिटल, ये टोटल मॉनेटरी टर्म्स में है, यूनिट टर्म्स में नहीं है। तो जब 100 को हम 1 crore से डिवाइड, जब 1 crore को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1,00,000 आएगा। ठीक, ये 1,00,000 टोटल शेयर कंपनी इश्यू कर रही है टू जनरेट कैपिटल टू स्मूथली रन दी बिजनेस। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा सिर्फ इतना समझाने का मतलब था कि शेयर एक ऐसा कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कंपनीज लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरेट करती हैं, और इस जनरेशन से वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कराती है। लेकिन हाँ, एक एडवांटेज और है कि शेयर होल्डर यानी जो शेयर कैपिटल जो सब्सक्राइब करते हैं, जो खरीदते हैं, वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। ठीक है, और उन्हीं ओनर्स की वजह से बिजनेस को शेयर कैपिटल के थ्रू कैपिटल जनरेशन होती है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स की, कि शेयर्स एग्जैक्टली कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें क्या क्या प्रोविजन है। टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात की थी मैंने, इसमें से दो ही टाइप्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला, इक्विटी का मतलब होता है इक्वल, यानी बराबर हर तरह से। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बराबर नहीं होते, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनसे ऊपर होते हैं। ठीक, इन्हें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पूर्वाधिकार अंश भी कहा जाता है, यानी इनको हर एक चीज में कंपनी के, चाहे डिविडेंड हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे
अकाउंट सेटलमेंट हो, हर एक चीज में इन्हें पहले प्रेफरेंस दिया जाता है और उसके बाद फिर इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, जो मैंने बता दिया यहाँ पे, दे आर नॉट ओनर्स, ये ओनर्स होते हैं लेकिन ये ओनर्स नहीं होते हैं। ठीक, वो सिर्फ हाई रिस्क टेकर्स होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। क्या फिर है, ये आपके रियल ओनर यानी इक्विटी शेयर ओनर्स जो है वो रियल ओनर्स कहलाते हैं किसी कंपनी फाउंड बिजनेस के लिए। दूसरा है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है या इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के गुड और बैड यानी अच्छे और बुरे दोनों टाइम में कंपनी के साथ रहते हैं, यानी इन्हें आप कह सकते हैं कि सुख और दुख दोनों में ये आपके साथ निभाते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे टाइम के लिए होते हैं, बुरे टाइम के लिए वो आपके साथ नहीं देते। ठीक, तीसरा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड मिलता है उनकी शेयर होल्डिंग पे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। जब आप जनरल इंटरेस्ट पढ़ेंगे इस पे तो आपको मेन आएगा 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक, तो ये जो 6% है ये इंटरेस्ट रेट है जो कि इनको दिया जाता है। ठीक, बाय डिफॉल्ट ये 6% ही है, लेकिन अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी है तो वो 6% से ज्यादा भी दे सकती है। किस पे? प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग पे इंटरेस्ट अलॉन्ग विद डिविडेंड। ठीक है, तो ये तो हुए टाइप्स। आइए देखते हैं अगला पॉइंट है जो है आपका किसके अगेंस्ट इशू, वैसे किसके अगेंस्ट इशू तो मैंने बता दिया है कि ये ऑथराइज कैपिटल के अगेंस्ट इशू किया जाता है। हाँ, इसमें एक मैं एनेक्सर ये बताना चाहूंगा कि ऑथराइज कैपिटल अगर मैंने बताया था कि टोटल 1 करोड़ रुपए की है और 100 रुपए का एक शेयर है तो 1 लाख शेयर हुए कोई भी कंपनी। और एक चीज और जान लीजिए कि सॉरी, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं सिर्फ वही ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी स्टॉक मार्केट्स में जाकर के अपने स्टॉक्स को सेल के लिए रख सकती है। प्राइवेट कंपनीज को ये पावर या ये राइट नहीं है कि वो पब्लिक ऑफरिंग करके यानी पब्लिक को इनवाइट करके अपने लिए कैपिटल जनरेट करे। प्राइवेट कंपनी को अपने सेल्फ रिसोर्सेज से ही कैपिटल जनरेशन करनी होती है। लेकिन अगर बात करें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में सॉरी कंपनी फॉर्म गवर्नमेंट कंपनी अगर मैं बात करूं तो उन्हें ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग की फैसिलिटी होती है और दूसरी चीज कि वो अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए ऑफर कर सकते हैं उनके सब्सक्रिप्शन की। ठीक, इस चीज को याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ही स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक्स को बेच सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं बेच सकती। ठीक है, आइए चलते हैं इसके बाकी सेक्शन पे जिसमें मेन है कि डिविडेंड कब मिलता है और डिविडेंड कितने टाइप्स का होता है, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें बिटवीन शेयर होल्डर्स कैसे किया जाता है, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले इक्वल रेशियो, वैसे तो ये सारे कंसेप्ट आपके पार्टनरशिप फर्म के सेंस में है लेकिन इनकी एप्लीकेशन यानी इनका यूज कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी किया जाता है। ठीक है, तो इक्वल रेशियो की बात करें तो उसमें सारे पार्ट जितने भी मेंबर्स हैं यानी ओनर्स हैं उनको इक्वली भी बांटा जा सकता है अगर आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ मेंशन ना हो तो। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली जो पहला वाला है ये बेसिकली पार्टनरशिप फर्म का ही है, तो इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा है कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो मेन है कि अगर जितने भी आपके मेंबर्स हैं जिन्होंने कंपनी फॉर्म को बनाया है वो अगर मान लीजिए ए ने लगाया है 20,000 रुपए, ठीक है, बी ने लगाया 40,000 रुपए और सी ने लगाया 60,000 रुपए, तो जो भी प्रॉफिट बटेगा ठीक है वो इसी रेशियो में बटना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कैपिटल रेशियो में इसलिए कह रहा हूं कि उनकी शेयर होल्डिंग रेशियो है एक तरीके से, कि मान लीजिए अगर 100 रुपए का एक शेयर था तो 20,000 रुपए के अगर उसने इन्वेस्ट किया हुआ तो उसने कितने शेयर लिए, 200 शेयर लिए। ठीक है, 40,000 के हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से ले लें तो ये होगा 400 शेयर। ठीक, और इसने अगर 600 शेयर ले रखा है तो सबसे बड़ा कौन हुआ, सी हुआ। ठीक, तो सी ने अगर 600 शेयर ले रखे हैं तो सबसे बड़ा उसी को माना जाएगा, तो कैपिटल रेशियो में डिविडेंड्स बच सकते हैं। ठीक, दूसरा तरीका, तीसरा है एग्रीमेंटेड रेशियो। एग्रीमेंटेड रेशियो में मेन है कि जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जब कैपिटल लॉज में पार्टनर मेंबर्स को जोड़ेंगे तो वहां पे आपको एग्रीमेंट करना होगा कि हम किस रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को डिविडेंड में बांटेंगे। ठीक, और इसमें एक ही तरीका है कि आप एग्रीमेंट कर लीजिए, मान लीजिए 4 लोग हैं
ABCD, ठीक है, इनकी जो भी कैपिटल फिगर है उससे हमें मतलब नहीं है। इन्होंने कहा कि हम सबके सब बराबर बांटेंगे, ठीक है, यानी 25% 25% 25% 25%। तो अब जो एग्रीमेंटेड रेशियो है वो इक्वल का है तो हम इक्वली भी डिविडेंड बांट सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि जिसकी जैसी कैपेसिटी है वो वैसा शेयर्स लेकर के कंपनी में इन द फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर जुड़ जाता है। ठीक, तो ये तो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि डिविडेंड के सेंस में मैंने समझाया है। अब आइए बात करते हैं कि डिविडेंड क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है और उसका डिविजन कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए बात करता हूँ डिविडेंड्स की। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि डिविडेंड्स को एग्जैक्टली क्यों कहा जाता है और किस लिए कहा जाता है। डिविडेंड की अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो डिविडेंड की हिंदी होती है लाभांश। ठीक है, जो मैंने लिखा भी है जिसको मैंने संधि विच्छेद भी किया हुआ है, लाभ प्लस अंश, यानी कंपनी का जो भी लाभ है जो भी प्रॉफिट है उसमें आपका शेयर कितना है आपका पार्ट कितना है उसे ही लाभांश यानी डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है, अब ये लाभांश आपके शेयर होल्डिंग यानी अंश धारण के बेस पे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आपका शेयर होल्डिंग जो भी है 100 शेयर्स है 200 शेयर्स है 300 शेयर्स है व्हाट एवर द फिगर इज उसी के बेस पे आपके डिविडेंड्स को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, मेन है इसमें एग्जांपल मान लेते हैं जो मेरे स्टूडेंट है सुशांत, उनकी शेयर होल्डिंग उज्जवल कंपनी लिमिटेड में मान लीजिए 100 शेयर्स पे है, उन्होंने 100 शेयर्स दिए हुए हैं और 100 रुपए ईच का, तो उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई 10,000 हुई। अब मुझे जब प्रॉफिट होगा तो मैं सुशांत को इस 10,000 रुपए के अकॉर्डिंग डिविडेंड्स दूंगा, यानी उनके 100 शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से उन्हें डिविडेंड बांटा जाएगा। अगर सुशांत की जगह कोई और है मान लीजिए उसने 200 शेयर्स ले रखे हैं तो उसमें मैं 200 शेयर्स के हिसाब से दूंगा, किसी ने 300 शेयर्स ले रखे हैं 100 रुपए के तो उसमें 300 शेयर्स के हिसाब से दूंगा। ठीक, इसी तरीके से आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगला है, अब ये लोगों में कई सारी डाउट, इनफैक्ट सुशांत को ही डाउट है ये कि सर डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। डिविडेंड हमेशा कंपनी के प्रॉफिट से किया जाता है। ठीक है, अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया है तो वो डिविडेंड नहीं बांटेगी। ठीक, क्योंकि डिविडेंड कभी भी अपनी जेब यानी पर्सनल पॉकेट से नहीं दिया जाता। डिविडेंड का मतलब ही यही है लाभांश, जब लाभ नहीं कमाया तो उसका अंश कहां से बांटोगे, क्या अपनी पॉकेट से निकाल के दोगे, कभी नहीं। तो इसीलिए लाभांश को हमेशा कंपनी के अर्जित लाभ यानी अर्नड प्रॉफिट से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हाँ, अगर कंपनी के पास नो प्रॉफिट है तो फिर वहां पे नो डिविडेंड होगा, कि अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाया है तो वो डिविडेंड नहीं बांटेगी। ठीक है, और एक चीज और, एक और एक्सट्रीम केस है कि अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो शेयर होल्डर्स को लॉस भी सफर करना पड़ सकता है। हमेशा क्या कहते हैं, हमेशा मीठा मीठा नहीं होगा, नमक भी हो सकता है। कहने मतलब सिर्फ इतना है कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो भी डिविडेंड पाओगे, प्रॉफिट नहीं हुआ है तो भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक, अगर कंपनी ने गलती से लॉस अर्न किया है किसी साल तो आपको लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। करना क्या पड़ सकता है, करते ही हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके गुड बैड दोनों में शामिल होते हैं, इसलिए उन्हें कंपनी के लॉस पीरियड में लॉस भी वहन करना पड़ता है। ठीक, आई थिंक अब सुशांत को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि डिविडेंड कब बढ़ता है और कैसे बढ़ता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड की और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टाइप्स ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं जिसमें पहला है आपका कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड हम लोग सभी नॉर्मली जानते हैं, जेन्युइनली ये कैश में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब कंपनी के पास अच्छी लिक्विडिटी होती है प्रॉफिट अर्निंग के बाद तो वो कैश में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जिसकी जैसी शेयर होल्डिंग होती है। ठीक है, दूसरा है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड का मतलब है जब कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हो, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग ऐसी खासी हुई लेकिन कंपनी के पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, मीन्स कि अभी रेडी टू यूज लिक्विड यानी कैश नहीं है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो करती क्या है कि जितने भी शेयर होल्डर्स उनकी जो भी डिविडेंड लाइबिलिटी मतलब कंपनी के लिए जितनी भी डिविडेंड लाइबिलिटी बनी है शेयर होल्डर्स की तरफ, वो उन पर्टिकुलर अमाउंट्स को स्टॉक्स में यानी शेयर्स में इश्यू करके इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यानी शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड ऑन द शेयर्स होल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूँ। मान लो मैं सुशांत के एग्जाम्पल पे लेता हूँ कि उन्होंने 100 शेयर्स दिए थे 100 रुपए ईच के, ठीक, 10,000 हुआ इनका अमाउंट। अब इस 10,000 पे मान लीजिए मैं 10% शेयर 10% इनको डिविडेंड दूंगा,
यानी 1000 रुपए का डिविडेंड इनको मिलना चाहिए, ठीक। लेकिन मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इनका मतलब मैं इनको सेटिस्फाई कर सकूं, इनको शांत कर सकूं। तो मैं कहूंगा ठीक है सुशांत जी, आप ऐसा कीजिए, मैं आपको 1000 रुपए के स्टॉक्स फिर से शेयर इशू कर दे रहा हूं, ठीक, आपको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो आप इन 1000 के स्टॉक्स को मेरी तरफ से ले लीजिए, और जैसे ही मेरे पास लिक्विडिटी यानी कैश आएगा वापस, मैं आपसे ये एक्स्ट्रा शेयर जो मैंने इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक डिविडेंड आपको इश्यू किया हुआ है, मैं आपसे वापस ले लूंगा और आपको कैश दे दूंगा, ठीक। तो यही होता है स्टॉक डिविडेंड, ठीक है। अगला है प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड ठीक उलट है, जहां पे स्टॉक डिविडेंड में कंपनी एक्स्ट्रा शेयर इशू कर देती है टू पे ऑफ द डिविडेंड लायबिलिटी, यहाँ पे कंपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपके नाम कर देती है या आपके नाम पे इशू करवा देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कि हम उसको डिविडेंड की वैल्यू के बराबर हम अपनी एक प्रॉपर्टी आपको इशू कर दे रहे हैं, आप इसको अपने पास रखिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जैसे ही हमारे पास लिक्विडिटी क्राइसिस खत्म होगा यानी कैश क्राइसिस खत्म हो जाएगा, हम आपको आपका डिविडेंड अमाउंट पे करके उस प्रॉपर्टी को हम वापस ले लेंगे, ठीक। लेकिन इस प्रॉपर्टी में फायदा लॉस ये है कि भाई मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू यानी जिसपे कंपनी को जनरेट जिसपे प्रॉपर्टी को जनरेट किया गया, दोनों में काफी अंतर होता है। तो दोनों में से जो भी कम होगा यानी इसमें जो भी डिफरेंस आएगा मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू में, तो गेन या लॉस दोनों ही कंपनी अपने बुक्स में एंट्री करेगी, ठीक। यानी ओवरऑल कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मार्केट प्राइस अप एंड डाउन दोनों रहता है, लेकिन बुक वैल्यू कभी भी अप एंड डाउन नहीं रहती, वो एक कॉन्स्टेंट रहती है, उतने पर ही इसको रखेंगे। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों कंपेयर कराएंगे, जो भी ज्यादा होगा तो गेन, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू कम है तो गेन है कंपनी को, तो कंपनी उसको गेन में लिख लेगी। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू कम है और बुक वैल्यू ज्यादा है कंपेरिजन में, तो वो कंपनी के लॉस हो जाएगा, ठीक। तो कंपनी उसको एज अ लॉस करके अपने अकाउंट उसमें रखेगी, और वही प्रॉपर्टी आपके शेयर होल्डर को दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अगला है स्क्रिप्ट डिविडेंड। स्क्रिप्ट का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपने प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ा होगा, प्रोमिसरी नोट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रॉमिस होता है कि मैं आपको इस डेट को इतने पैसे पे करूंगा, ठीक। ये चीज होती है प्रोमिसरी नोट, और यही प्रोमिसरी नोट कंपनी भी इशू कर देती है अगर उसके पास रेडी टू यूज स्टॉक यानी रेडी टू यूज कैश नहीं है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो डिविडेंड अमाउंट के बराबर का प्रोमिसरी नोट आपको इश्यू कर देती है, जिसमें आपके टर्म्स ऑफ डिविडेंड सारे लिखे होते हैं, सब कुछ मेंशन होता है। और एक चीज और, प्रोमिसरी नोट पे इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, लेकिन इशूइंग कंपनी के ऊपर है कि वो आपको इंटरेस्ट देना चाहती है कि नहीं देना चाहती, ठीक। लेकिन प्रोमिसरी नोट आपको इशू कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू पे ऑफ देयर डिविडेंड लायबिलिटी, ठीक है। स्क्रिप्ट का मतलब कुछ नहीं है, एक प्रोमिसरी नोट के सेंस में, जो कि इशू करके अपनी डिविडेंड लायबिलिटी को सेटिस्फाई कर दिया जाता है। लास्ट है लिक्विडेटिंग डिविडेंड। लिक्विडेटिंग का मतलब होता है जब कंपनी को शट डाउन करते हैं यानी कंपनी को बंद करने वाले होते हैं। तो समय होता क्या है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो तो कंपनी के अफेयर्स में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स के बाद जो सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं कंपनी के, वो होते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स। तो कंपनी के डायरेक्टर्स जब डिसाइड करते हैं कि उन्हें बिजनेस को शट डाउन करना है, बंद कर देना है, तो वो करते क्या है, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको उनके अमाउंट को वापस कर देते हैं, और साथ ही साथ डिविडेंड भी पे कर देते हैं कि हम भैया कंपनी बंद करने जा रहे हैं, ये लो अपना डिविडेंड, ये लो अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट शेयर इन द फॉर्म में, और शेयर हमारे वापस करो, हम कंपनी बंद करने जा रहे हैं, ठीक। इसे हम इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड ही ट्रीट करते हैं, जैसे कैश डिविडेंड में क्या था वैसे यहाँ भी होता है, बस फर्क यह है ये कंपनी के शट डाउन यानी बंदी के समय का डिविडेंड है, लेकिन ये कंपनी के स्टार्टिंग का है, ठीक है। तो आई थिंक सुशांत को क्लियर हो जाएगा कि शेयर्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसीज क्या है, और डिविडेंड क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। आई थिंक ही विल कम टू नो ऑल दिस। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट कंटेंट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सुशांत। थैंक यू सो मच।